वरुणा तट के शास्त्री घाट पर जलाए गए 2100 दीपक। बता दें कि वरुणा तट के शास्त्री घाट का नजारा शुक्रवार की शाम देखने लायक था। आसपास के सैकड़ों लोगों ने घाट पर उपस्थित होकर लोक चेतना संस्था के सहयोग से 2100 दीपक जलाए, जिसमें लोक चेतना, मीरा फाउंडेशन सहित सनबीम वरुणा हॉस्टल के छात्र भी शामिल हुए। सामाजिक संस्था लोक चेतना उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में देव दीपावली के अवसर पर 2100 दीप प्रज्वलित कर घाट के जगमग कर दिया गया। इस दौरान सीढ़िया तथा मंच सहित नदी के तट पर दीपदान किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया और रंगोली बनाने तथा दीप प्रज्वलित करने में अपना सहयोग दिया। लोक चेतना संस्था के अध्यक्ष के उपाध्याय, कैलाश सिंह, निशान बर्नवाल, प्रियंका सिंह, राजन सिंह, भानु प्रताप, सोनू, डॉक्टर पुष्पा यादव, ब्रिजेश श्रीवास्तव, उदय कृष्णा सिंह, सत्येंद्र कुमार सहित छात्र और नागरिकों ने एक दूसरे का सहयोग कर दीप जलाए। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। जय देश। के द्वारा उपेक्षा किए गए बंगला तट के एवज में आज हम लोगों ने लोक चेतना के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष प्रियंका सिंह, संगठन मंत्री हमारे जो है निशान बर्नवाल जी, प्रिंस गुप्ता जी, हमारे उदय श्रीवास्तव जी, राजन सिंह जी, सारे लोग, भानु प्रताप राय, सोनू जी के नेतृत्व में यहाँ देखिए हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जबकि गंगा घाट पर सरकार जो है 17 लाख दीप जला रही है, लेकिन बनारस की पहचान बौड़ा नदी और बौड़ा नदी का ये लाल बहादुर शास्त्री घाट, जो देश के प्रधानमंत्री थे जिनके नाम घाट बना है, यहाँ पर सरकार ने सुधी नहीं ली, लेकिन स्थानीय लोगों ने, हमने बात किया, लोगों ने निर्णय किया और लोक चेतना ने आज यहाँ 2100 दीप जलवाए हैं और सब हाथों हाथ लोग लगा रहे हैं। इसमें हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और जो दीपावली सबको शुभकामनाएं देते हैं। यह देव दीपावली शास्त्री घाट पर लगभग सामाजिक संस्था लोक चेतना कितने वर्षों से करा रही है? ये देखिए, इसके पहले एक पत्रकार थे मधुकर जी, जो हर साल कराते थे और भव्य रूप से होता था, क्योंकि पिछले 3 साल से वह स्वस्थ हैं, इसलिए यहाँ कार्यक्रम है, तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था और बड़े भव्य तरीके से यहाँ महोत्सव मनाया जाता था। तो जब से उन्होंने मुझे कहा उपाध्याय जी अब मेरे बस का नहीं है, तो चूँकि हम लोग जीवन का मंगल सांस्कृतिक बंगला महोत्सव हर साल यहाँ कराते हैं, बंगला आरती भी शुरू करवाए थे, बंगला आंदोलन भी लोग इतना लंबे समय से चलाई थी, जिसका परिणाम रहा बंगला कॉरिडोर यहाँ बना। तो इसके बाद में हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ हर वर्ष यहाँ आते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं और लोग हाथों हाथ अपना दीपक जला करके दो दीपावली मनाते हैं।